खनिधाना थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को कम करने के लिए खनिधाना थाना प्रभारी दिमेश जहारी बराबर अभियान चला रहे हैं। वहीं एक चोर ने पिछले दिनों एक ही रात में दो दुकानों को निशाना बनाया। उक्त चोर गोलू यादव निवासी खनिया थाना ने दोनों दुकानों को अपना निशाना बनाते हुए दुकान से लैपटॉप सहित हजारों का सामान चोरी कर मौके से फरार हो गया। वहीं खनिया थाना पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी गोलू यादव को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से लैपटॉप और अन्य सामान और 315 बोर का अवैध देशी कट्टा बरामद किया है। साथ ही उस चोर से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों नगर के गुड़र रोड स्थित मोदी टायर्स मालिक विकास जैन और गल्ले व्यापारी चेतन जैन ने बताया कि रोज की तरह वह शाम को अपनी दुकान बंद करके घर चले गए और जब सुबह दुकान खोलने आए तो अंदर देखा कि ताले टूटे मिले। चोर ने दुकान में डांस करते करते चोरी की थी और लैपटॉप सहित नगद रुपये और अन्य कागजात लेकर भाग गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खनियादाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। सर, कुछ दिन पहले गुड़ा रोड पर दो दुकानों में एक चोर ने चोरी की थी और चोरी करने के बाद डांस भी किया था, उसको पकड़ लिया है। क्या दिनांक 3/1/2023 को स्वामी जैन निवासी खनिया थाना ने रिपोर्ट की थी कि उनकी दुकान से एक गोलू यादव नाम के व्यक्ति द्वारा लैपटॉप और लैपटॉप का बैग और माउस चोरी कर लिया गया है। इस पर से थाना खनिया थाना में अपराध क्रमांक 6 धारा 457-300 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। आज इस आरोपी गोलू यादव को गिरफ्तार किया गया है। चोरी किया मसल का इसमें लैपटॉप और बैग बरामद किया गया, कीमती करीब 50,000 रुपये। और गिरफ्तारी के वक्त इससे एक 25/27 आर्म्स एक्ट का कट्टा बरामद किया गया, इसमें प्रत्यक्ष प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।